दाहिने तरफ का जो बंटवारा है उसके अंदर है। देखो ये अभी कहाँ पे है, देखो ऐसा ऐसा एंगल करके, तब तो नहीं होगा ना, तब तो कोई भी जजमेंट काम नहीं करेगा। देखो काफी जगह मैंने दे दिया, देखो इधर से मेरे को अभी गुजरना पड़ेगा उसको ओवरटेक करके, एकदम ही नैरो रास्ता है। यहाँ पे देखो कैसे जा रहा हूँ, देखो इधर पे, देखो उधर पे एक बाढ़ है, देखो अभी ना बाई तरफ एक ड्रेन है, साइड दे दिया, अभी वो उधर चला गया, इधर से बहुत बड़ा वाला ड्रेन है। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नया वीडियो में। तो अभी आज हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे गाड़ी का जजमेंट को लेके, कैसे हम लोग गाड़ी का जजमेंट करेंगे अगर आप लोग एकदम नया नया ड्राइव कर रहे हो। इस वीडियो को देखने से पहले जो मेरा लास्ट वीडियो था जो एग्जैक्टली डिटेल में था कैसे आप लोग जज करेंगे, उस वीडियो को जरूर, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है उसको जरूर देख लीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास जो भी गाड़ी हो सकता है अर्टिगा, स्विफ्ट डिजायर, बोलेरो, टाटा का गाड़ी, बड़ा गाड़ी, कोई भी महिंद्रा एक्सयूवी, लॉरी, बस, टेम्पो, जो भी है, ठीक है, उसका जो भी शीशा है ना सामने का, उसका मेजरमेंट लेना है, ये वाला इधर से लेके इधर तक, ठीक है, पूरा मेजरमेंट लेना है और उसको दो हिस्से में डिवाइड करना है, बंटवारा करना है। डिवाइड यानी कि क्या, इसका एक पोर्शन, ठीक है, इधर से इधर से इधर से उसका और एक पोर्शन, ठीक है, ऐसा करना है। इसको डिवाइड करने के बाद आप लोगों को मन के अंदर सोचना, इधर से एक लाइन बीच में से, आप लोग देखे होंगे कोई भी गाड़ी के अंदर, बस के अंदर, लॉरी के अंदर ना, एक बीच में से एक लाइन जाता है, एक बार जाता है, ठीक है, वो जो बार होता है ना वो सिर्फ शीशा को सपोर्ट करने के लिए नहीं होता है, वो जजमेंट के लिए होता है। बड़े बड़े वोल्वो हो गया, लॉरी हो गया, जो भी है उसके अंदर एक इधर बीच में से एक लाइन जाता है, वही लाइन डिवाइड करता है दोनों शीशे को, यानी कि राइट बंटवारा, लेफ्ट बंटवारा, जो भी गाड़ी आपके सामने आ रहा है उसका पीछे का व्हील, राइट का व्हील, पीछे का राइट का व्हील, फोर व्हील रहता है ऐसा, सामने दो पीछे दो, पीछे का व्हील को इधर लेके आना है और ऐसा नजरों से देखना है ना, ताकि जो सामने का गाड़ी है तो इधर पे होना चाहिए, ठीक है। अगर गाड़ी ऐसा तिरछा करके जा रहा है तो क्या करना है, तब आप लोगों को नहीं जाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक भाई मेरे को बोल रहा था, सर मैंने आपका वीडियो देखा, अच्छे से मुझे समझ आ गया था, अच्छे से गाड़ी चला रहा था, मगर क्या करे जब अगर आपके सामने कोई गाड़ी ऐसा होके जा रहा है, तो नहीं जाना है, बस सिंपल सी बात है। अगर कोई भी गाड़ी आपके सामने जा रहा है, अगर वो सीधा है तो ही आप लोगों को जाना है। चलो आगे जाते हैं और देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। और ऐसा जजमेंट आप लोगों को करना है ना, ताकि आप लोग बिना देख के ही आप लोग बता पाए आपका गाड़ी का जो लेफ्ट व्हील कहाँ से गुजर रहा है, ये जजमेंट आप लोगों को आना चाहिए और ऐसा जज आप लोगों को करना ही होगा, ठीक है, तभी आप लोग ठीक से गाड़ी को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं, आपके कंट्रोल पे गाड़ी चलेगा, ठीक है, गाड़ी आपको नहीं चला रहे, आप गाड़ी को चला रहे हैं। आप लोग को ऐसा जजमेंट आना चाहिए ताकि आप लोगों को पता होगा अगर रास्ते में कोई भी पत्ते नहीं तो कागज कोई पड़ा हुआ है उसके ऊपर से मेरे को गाड़ी को लेके जाना है। देखो अभी आगे जा रहा हूं मैं, ठीक है, अभी जो भी देखो ये जो अंकल जी जा रहा है वो कहाँ पे है, मेरा लेफ्ट लेफ्ट बंटवारा के अंदर है, ठीक है। और राइट साइड कैसे जज करेंगे दोस्तों, हम लोग राइट साइड जज करने के लिए आप लोग को हमेशा ये जो मेरा जो स्टीयरिंग है ना, इस स्टीयरिंग से सोचना है एक लंबा वाला एक लाइन जैसा जा रहा है, ठीक है, उस लाइन से ऐसा लाइन जा रहा है, ठीक है, उस लाइन से जो भी गाड़ी आ रहा है उसको दाहिने तरफ रखना है, उससे बाहर रखना है, एकदम सिंपल, ठीक है। देखो ये अभी कहाँ पे है, देखो ऐसा, और हमेशा वो चीज जो व्हीकल जो ऑब्जेक्ट आपके सामने आ रहा है नहीं तो जा रहा है वो सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं वो तिरछा करके जा रहा है, ऐसा एंगल करके, तब तो नहीं होगा ना, तब तो कोई भी जजमेंट काम नहीं करेगा। देखो ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा गली के अंदर, देखो कहां से मैं टर्निंग ले रहा हूँ, जब मेरा बोनेट टच कर गया उसके ऊपर क्रॉस किया हल्का सा, तब मैं यहाँ पे पूरा घुमा दिया। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी हो जिसका बोनेट लगभग 2 फीट 3 फीट 4 फीट ऐसा है, 4 फीट तो नहीं होता है, 3 साढ़े 3 फीट के आसपास, तब आप लोगों को जब भी टर्निंग आएगा तब पहले से ही जब टच करेगा बोनेट का सामने, आप लोग गाड़ी को रोटेट करना है, यानी कि स्टीयरिंग को घुमा देना है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी को घूमने के लिए कुछ टर्निंग रेडियस मतलब लगता है। देखो मैंने देखा नहीं था, गड्ढा था यार बहुत बड़ा इधर पे, देखो ऐसा, काफी बारिश हो रहा है, देखो ऐसा मैं जा रहा हूँ, ठीक है, देखो ऐसा ऐसा नैरो रोड के अंदर आप लोगों को टर्निंग पे जजमेंट ठीक से करना है, ठीक है, और हमेशा मिरर को देखना है। देखो देखो अभी, देखो अभी मजा आएगा, आसान है यार, क्या मजा आएगा, कठिन होगा तभी ना मजा आएगा। देखो काफी जगह मैंने दे दिया, अंकिल जी चला रहा है, चलो यार थूक ना दे मेरे को, कैसे गाड़ी को लेके जा रहे है, घुमा रहा था गाड़ी को बार बार। चलो देखो अभी बहुत जोर से बारिश हो रहा है, अभी देखो काफी जोर से बारिश हो रहा है यार, 3 नंबर गियर मैंने चला दिया, ठीक है, देखो
तो बारिश के मौसम के अंदर जो ड्राइविंग का वीडियो है उसको जरूर दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो है जो आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है ड्राइविंग करने के दौरान। ठीक है, मैं गाड़ी के अंदर लाइट को जला के रखा। देखो अभी यहाँ पे देखो जजमेंट, यहाँ पे जो रोड ऐसा मोड़ ले रहा है ना, मैं उसके साथ ही घुमा रहा हूँ स्टीयरिंग को। ठीक है, उधर भी देख रहा हूँ क्योंकि उधर भी गाड़ी था। ठीक है, देखो सामने जो गाड़ी जा रहा है कैसे जा रहा है, कहाँ पे है, दाहिने तरफ का जो बंटवारा है उसके अंदर है, उसको मेरे को ओवरटेक करना है। कैसे करना है देखो, ऐसा ध्यान से देखो कहाँ पे है, देखो ठीक से देखो कहाँ पे है, यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, आराम से जा सकता हूँ, आँख बंद करके, बंद करके नहीं आँख खोल के। तीन नंबर गियर मैंने डाला, हल्का सा मैंने पूरा क्लच को प्रेस करके रखा। ठीक है, पूरा क्लच प्रेस यानी कि न्यूट्रल हो जाता है गाड़ी। ठीक है, पूरा क्लच प्रेस करके ड्राइविंग और न्यूट्रल करना सेम बात हो जाता है। ठीक है, चलो अभी मैं इधर से जा रहा हूं। देखो कहां से आ रहा है, दे दिया साइड उसको। ठीक है, फिर से मेरे को इधर पे लेके आना, क्योंकि उधर पे एक दीवार था छोटा सा। ये रास्ता बहुत ही बेकार रास्ता है दोस्तों, ये गड्ढे से भरा हुआ है रास्ता। मैं आज हाई रोड के अंदर नहीं गया क्योंकि छोटे मोटे लेन के अंदर अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। देखो ऐसे जा रहा हूं और आगे जाके दोस्तों हम लोग देखेंगे नैरो रोड। ठीक है, एकदम लोकलिटी का रोड जो भी होता है ना, क्योंकि इसके अंदर चलाना बहुत ही, आप लोग अगर चलाएंगे तो हाथ बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। चलो देखते हैं आगे जाके। देखो ये साइकिल कहां पे, मेरा बाएं है, राइट, चला गया वो। देखो ऐसे ड्राइव करना है दोस्तों, ठीक है, विद फुल कॉन्फिडेंस, विद फुल नॉलेज, कोई दिक्कत नहीं होगा रास्ता कैसे भी हो। ठीक है, बस रास्ता एकदम बंद ना हो वो जो। ठीक है, नजारा बहुत अच्छा है ना, एकदम झक्कास लग रहा है। अभी तीन नंबर गियर मैंने डाला, अभी मेरे को दो नंबर डालना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी पूरा रुक सक गया था। देखो ये जो भाई जा रहा है सामने, अभी मेरे को तीन नंबर डालना पड़ेगा और गाड़ी को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। देखो ऐसे में जा रहा हूं, अभी रास्ते को फॉलो करो। उधर रास्ता ना जो है, जो घास वगैरह जो भी दिखाई दे रहा है उधर एग्जैक्टली उसके साइड से, रास्ते के एंड से मेरा लेफ्ट व्हील जा रहा है। मेरे को पता है रास्ते का कौन सा जगह से जा रहा है वो, आप लोगों को उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे एकदम रास्ते में जाना है, धीरे धीरे जाना है और मेजर करना है, देखना है मेरा व्हील कहां से जा रहा है। एकदम प्रो बन जाएंगे दोस्तों आप लोग। देखो ऐसे में जा रहा हूं। ठीक है, देखो जो आंटी जी कहां से जा रहा है, मेरे से बहुत दूर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, रास्ता उतना सही नहीं है। देखो वो गाड़ी बहुत दूर है मेरे से, बहुत दूर। अभी मेरे को देना पड़ेगा तीन नंबर गियर पे। ठीक है, क्योंकि गाड़ी रुक सा गया था, अभी फिर से चार नंबर गियर मैंने डाल दिया। तो देखो ऐसे, ठीक है, जो सामने रिक्शा आ रहा है कहां से आ रहा है, हॉर्न देना है। ठीक है, उसको साइड ले लिया मैंने, अभी उसको इधर मैं लेके आ गया। देखो सामने जाए, स्कूटी आ रहा था, बंदा जा रहा है, कहां पे है, सारे जो भी लोग आ रहे हैं, मेरा हमेशा जो टारगेट रहेगा ना, टारगेट यही रहेगा मेरा, गाड़ी का सामने से हटा दो। कहां से हटाओ, देखो अभी ये बंदा कहां से जा रहा था इसको खुद पता नहीं है। चलो अभी मैंने गाड़ी को पूरा स्लो किया, मगर मेरे को दो नंबर गियर बिल्कुल नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि मेरे को रुकना तो नहीं है, मैंने सिर्फ ब्रेक करके फिर से गाड़ी को मोशन पे लेके आ गया। तो इससे क्या होगा, अगर मैं इधर पे दो गियर नंबर गियर पे देता ना, गाड़ी का स्पीड तो 5 हो गया था, 5-6 के आसपास हो गया था, तो क्या होता, गाड़ी ना जर्किंग देता बहुत। अगर एक सेकंड के लिए आप लोग ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप लोगों को बिल्कुल ज्यादा मतलब गियर को डाउन नहीं करना है। ठीक है, ऐसे देखो, देखो अभी 5 नंबर गियर पे मेरा गाड़ी चल रहा है। ठीक है, इसको मैं साइड दे देता हूँ। देखो बहुत हड़बड़ी कर रहा था बंदा, मेरे से रेस लगा रहा था, मेरे को लग रहा था यार क्या ही बोले। चलो देखो अभी जो रास्ता जा रहा है मेरे साथ, ठीक है, थोड़ा बहुत यानी कि चौड़ा तो है, काफी ये चौड़ा है,
जो सामने का बोनेट जो मैं बात बोल रहा था, बोनेट का जजमेंट आप लोगों को आंखों से गाड़ी को, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए कैसा है रास्ता, ठीक है ना, बहुत जाएगा तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने स्लो किया था, ये सब रास्ता में बहुत जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे देखो कैसे लोग आता है, अचानक आपके सामने ऐसा लोग आएगा, आप लोगों को तुरंत ही यानी कि एक्शन लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है, लेट नहीं करना है, एकदम हमेशा तैयार। देखो अभी देखो ऐसे में जा रहा हूं, ओके, अभी जो रास्ता सामने आ रहा है बहुत ही नैरो टाइप का होगा, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। चलो देखो ऐसे टर्निंग पे ना, ऐसे पहले से आप लोगों को टर्निंग ले लेना है, ठीक है, पहले से मैंने टर्निंग ले लिया, 3 नंबर गियर गाड़ी चल रहा है, मैंने डाल दिया 4 नंबर गियर, और एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं, हल्का हल्का कभी कभी, ठीक है, उसके ऊपर पायर है मेरा मगर हल्का हल्का। देखो अभी भी मेरा गाड़ी 4 नंबर गियर पे है, मगर जो स्पीड है गाड़ी का लगभग 5, 6, 7 के आसपास चल रहा है। अभी मेरे को 3 नंबर गियर डाल देना है, ठीक है, क्लच से पूरा ऊपर, क्लच के ऊपर पैर नहीं देना है, क्लच राइडिंग नहीं करना है। क्लच राइडिंग यानी कि क्या दोस्तों, देखो अभी 2 नंबर गियर डाल देना है, अगर मैं 2 नंबर यहाँ पे नहीं डालता ना गाड़ी रुक जाता, ठीक है। देखो अभी ये बंदा मेरे को साइड देगा, यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं है, 4 फुट भी जगह नहीं है, तो इसके पीछे पीछे मैं जाऊंगा, और कोई चारा नहीं है, देखते। देखो साइड दे दिया, अभी वो उधर चला गया, मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ, काफी जगह है मेरे पास, ठीक है, तो ऐसे जाना है। यहाँ पे जगह देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो कैसे जा रहा हूँ, पहले से टर्न, ठीक है, पहले से जो व्हील है सामने का उसको मैंने घुमा दिया, ऐसे मेरा गाड़ी अभी 2 नंबर पे है, मैंने डाला 3 नंबर गियर पे। देखो अभी देखो, अगर आप लोग जो पुराने वीडियो इसको नहीं देखे होंगे तो जरूर उसको देख लीजिए, ठीक है। देखो अभी ना बाई तरफ एक ड्रेन है, मैं बाई तरफ जा नहीं सकता, ठीक है, नहीं तो ड्रेन पे मेरा गाड़ी गिर जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जजमेंट आना चाहिए लेफ्ट व्हील का, लेफ्ट व्हील कहाँ से जा रहा है, ठीक है, और देखना भी है, अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो जरूर देख लीजिए। देखो देखो इधर पे, देखो इधर पे एक बाढ़ है, ड्रेन नहीं है मगर एक क्या है पता नहीं यार, कुछ था उधर पे, चलो हो गया। तो ऐसे जगह पे दोस्तों आप लोगों को जाना, बहुत ही देख के जाना पड़ेगा। देखो इधर से बहुत बड़ा वाला ड्रेन है, मैं जा नहीं सकता, मेरे को रुकना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलो 1 नंबर गियर मैंने डाला, हल्का सा क्लच रिलीज किया, 2 नंबर गियर मैंने डाल दिया, ठीक है। देखो कितना नैरो रोड है, ठीक है, देखो इधर से मेरे को अभी गुजरना पड़ेगा उसको ओवरटेक करके, एकदम ही नैरो रास्ता है, ठीक है, मेरे गाड़ी के लिए बहुत ही कम रास्ता है ये, ऑल्टो अगर होता तो आराम से जाता, मगर इधर पे ड्रेन नहीं है वही अच्छा है। जजमेंट आना चाहिए लेफ्ट व्हील का दोस्तों, लेफ्ट व्हील सिर्फ लेफ्ट साइड नहीं, लेफ्ट व्हील का कहां से जा रहा है वो, इसका इसको आना चाहिए जजमेंट, ऐसे जजमेंट को सीखिए ताकि आप लोगों को लेफ्ट व्हील कहां पे है, ये जजमेंट जिस दिन आएगा ना दोस्तों आप लोग गाड़ी को ना मतलब उड़ा के चलाएंगे, ठीक है। ऐसा आशा करता हूं मैं कुछ समझा पाया आप लोगों को, अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।